हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाहिद असद और आज मैं लाई हूँ भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। कैसे बनाई जाती है तो देखिए गाइस, ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। इन्हें मैंने बॉईल करके मैश करके रख लिया है। इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, देखिए इतने इतने टुकड़ों में इन्हें रहना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिए हैं कुछ मसाले सब्ज़ी के लिए। ये मैंने लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सादा नमक, 3 तेज़पात के पत्ते, थोड़ी सी लिए मैंने सौंफ, 1 चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर, 1 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ली है मैंने पिसी लाल मिर्च और ये लिया है मैंने आमचूर पाउडर। ये हमने लिए हैं 6 मिर्चें, इन्हें बारीक काट के चॉप करके रख लिया है। ये मैंने अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने चॉप करके रख लिया है। ये धनिया पत्ती, इसे भी मैंने चॉप करके रख लिया है। ये मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर, इसे हम सब्ज़ी में ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, इसे भी हम सब्ज़ी में ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत मज़ेदार स्वादिष्ट बनती है। ये 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 1/2 चम्मच मैंने हींग ली है। इसका मैं भंगार लगाऊंगी सब्ज़ी में। गाइस, हींग आप ज़रूर डालें, हींग से सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और ज़ीरा भी ज़रूर ऐड करें, इससे भंडारे वाली सब्ज़ी जैसा स्वादिष्ट टेस्ट आता है। ये मैंने 4 टमाटर की प्यूरी बना के रख ली है, इसे मैं सब्ज़ी में ऐड करूंगी। इससे सब्ज़ी में गाढ़ापन आता है और बहुत अच्छी टेस्ट होता है इसका, टमाटरों का। तो गाइस, ये हमने 1.5 चम्मच सरसों का ऑयल लिया है, सब्ज़ी में तेल कम डलता है। इसमें ऐड करेंगे, तेल हमारा हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे 3 तेज़पात के पत्ते, हींग, ज़ीरा, कटी हुई अदरक, मिर्च, ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी, थोड़ा सा इन्हें भून लें, फिर मसाले ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, हमारा मसाला अच्छा सा भुन गया है। अब इसमें ऐड करेंगे आलू, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे पानी, और 10 मिनट इसे पकाएंगे। देखिए गाइस,
ये जो मोटे मोटे आलू हैं जो ज़्यादा बड़े हैं इन्हें मैश कर लें और इसे खूब पकाएं अच्छे से। इसमें ऐड कर दें कसूरी मेथी जो हमने आपको दिखाई थी। नमक आप चख सकते हैं, स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं जितना आप नमक पसंद करें। तो देखिए गाइस, सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी बनी है सब्जी। अब इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया मिला के तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। अब हम सब्जी को डिश आउट कर लेंगे। सब्जी हमारी बनके रेडी है। देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। गाइस देखिए ये सब्जी बनके तैयार है। इसे मैंने बॉईल में निकाल लिया है। इसे आप पूरियों के संग खा सकते हैं, चपाती के संग खा सकते हैं, चावलों के संग भी खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है। एक बार मेरी रेसिपी से बना के देखिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।